हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज के वीडियो में लाए हैं गोडॉस की ब्रांड न्यू लाइट UL150। पहले भी हमने आपको काफ़ी सारी गोडॉस की चिप ऑन बोर्ड LEDs दिखाई हैं, जैसे कि SL60, SL100, SL150 Mark II। लेकिन तो ये टेक्नोलॉजी तो चिप ऑन बोर्ड की है, इसके अंदर भी सेम। तो ऑलमोस्ट 150 का मतलब वही है कि 150 वॉट इसका आउटपुट है। और जैसे कि गोडॉस की सारी लाइट्स होती है, ये भी आपके चिप ऑन बोर्ड वाली लाइट है, सिंगल चिप वाली, और बोवन माउंट की लाइट है। लेकिन कुछ चीज़ें इस लाइट के अंदर यूनिक है, जिसके लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। इसकी कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं जो दूसरी लाइट्स के अंदर नहीं है गोडॉक्स की, तो एक एक करके उनको कवर करते हैं। पहले फिज़िकली आप लाइट को देख सकते हैं, ये यहाँ पर माउंट करी हुई है मैंने स्टैंड पर। तो जो नॉर्मल SL वाली लाइट्स होती है, उसके अंदर कंट्रोल पैनल इनबिल्ट होता है और यहीं पर डायरेक्ट पावर केबल लगती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर इन्होंने कंट्रोल पैनल को अलग कर दिया कि यहाँ पे स्टैंड पे हैंग हो जाता है और ये केबल इससे इसके थ्रू जाती है आपकी लाइट से लेके कंट्रोल पैनल तक, और सारा कंट्रोल यहाँ से ही है। तो फिर एक तो ये आपको डिफरेंस दिख गया मेजर। फिर है इसकी बिल्ड क्वालिटी, ये पूरी मेटल फिनिशिंग है। गोडॉक्स की कुछ लाइट्स प्लास्टिक भी होती है, ये पूरी मेटल फिनिशिंग है और इसका क्लैम्प बहुत सॉलिड है, फुल मेटल है। इसे यॉर्क माउंट बोलते हैं। दोनों साइड से आप बेसिकली इसको आप लूज़ करके, एक साइड से यहाँ से लूज़ करके पूरा टिल्ट करके किसी भी एंगल पे लाइट को रख सकते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सीधी माउंट करो, आप इसको सीलिंग से भी माउंट कर सकते हो। और एक बार जब ये टाइट हो जाएगा तो कहीं हिलेगा नहीं, हैवी से हैवी इसमें मॉडिफाई लग जाएगा। और फ्रंट से मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्रंट से इसके अंदर वही बोवंस माउंट है जैसे नॉर्मल होता है, बोवंस माउंट आपकी है। और इधर भी क्लिप इसका काफ़ी अच्छा है, ये मेटल फिनिशिंग है सारी। यहाँ पर अम्ब्रेला होल्ड भी है और ये आपका चिप आ गए, जिसे चिप ऑन बोर्ड बोलते हैं। तो और ये हो गया इसके अंदर दूसरा डिफरेंस कि एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी। प्लस इसके अंदर एक जो यूनिक फीचर है, जो मेन इसका है, कि इसमें फ़ैन नहीं है। और इन्होंने जो हीट निकालने के लिए इसकी बॉडी में बहुत सारे होल्स दे रखे हैं, हीट सिंक की पूरी लाइट को ही बना दिया है। तो हर तरफ से हीट रिलीज़ होगी, यहाँ से भी होगी, यहाँ से भी होगी, हर तरफ से होगी, लेकिन आवाज़ कुछ नहीं आएगी लाइट से। तो पंखा ना होने से कोई आवाज़ नहीं आएगी, हीट निकलेगी, लाइट बंद भी नहीं होगी, लेकिन आपकी कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो जिसको कोई सेंसिटिव जो अपना है कि जिसको साउंड ऐसी चाहिए, बिल्कुल साइलेंट चाहिए, तो इसका साइलेंट LED नाम ही रखा है कि भाई LED की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे नॉर्मली माइक दूर रख के आप कर सकते हो दूसरी लाइट से भी काम, लेकिन इसमें आपको माइक अगर साथ में भी है लाइट के, यहाँ भी शॉटगन माइक लगा, मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ, तो LED डिस्टर्ब नहीं करेगी, चाहे कोई सेंसिटिव एनवायरनमेंट है इंटरव्यू वगैरह का। तो फैनलेस और जो इसका साइलेंट है, वो इसका नाम है साइलेंट वीडियो लाइट। बाकी 150 वॉट मैंने आपको बता दिया। और ये वाइट कलर की लाइट है, तो वाइट कलर मतलब हो गया 5600 केल्विन। और अब इसको ऑन करते हैं। एक एडवांटेज और मैं बताना भूल गया कि इसमें ड्यूअल ऑप्शन है पावर के। अगर आप इसको अडोप्टर इसमें साथ आते तो यही केबल आपकी यहाँ से अडोप्टर लग जाएगा, तो ये पावर से भी चल जाएगी। और दूसरी पावर का ऑप्शन है इसमें V-mount बैटरीज, तो फिर उससे ये लाइट जो आपकी पोर्टेबल भी हो जाएगी। तो आप इसको ऑन लोकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जो बाकी सारी हैं वो स्टूडियो लाइट्स हैं, इंडोर ही चलेगी, या आपको तार लंबी खरीदनी पड़ेगी बाहर जाके, तो बड़ी केबल से 10-20 मीटर की, इसमें वो टेंशन नहीं है। इसको आप कहीं पे भी, जैसे मैंने उठा के जगह चेंज करनी है, प्री वेडिंग हो गया, फिल्म मेकिंग हो गई रिमोट लोकेशन में, उसके लिए बस आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी, बैटरी इंक्लूडेड नहीं है। तो बैटरी इसकी आती है वो V-mount बैटरी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गई इसकी V-mount बैटरी, ये होती है V-mount बैटरी। इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली ये होती है आपकी 11,000 की एक बैटरी। तो ये इससे ये लाइट पावर होती है, ये होती है आपकी 14.8 वॉट्स की। तो चलिए इसको बैटरी से ही ऑन करके देखते हैं आज, क्योंकि पावर अडॉप्टर से तो चली जाएगी, वो मैंने आपको बता दिया इंक्लूडेड है। अब इसको बैटरी से चलाते हैं, जो इसका यूनिक फीचर है। इसमें वी लॉक्स में इसको डालना है बस, बैटरी को क्लिक हो गई है। इसके बाद ये पैनल आ गया अपना, ये हो गई ऑन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी ब्राइट लाइट है, 150 वॉट्स। ये इस टाइम चल रही है आपकी 75% आउटपुट पे। इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर टेम्परेचर इसका फिक्स्ड ही है, बाकी एंगल का जो ऑप्शन था, एंगल इसका इससे चेंज हो ही जाएगा, जिस भी एंगल पे डालनी है। ये हो गई आपकी, तो ब्राइटनेस इसकी स्टेपलेस जैसे हर लाइट में, वैसे 1% करके आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मिनिमम से मैक्सिमम तक 100% तक जाएगी। और इसका कंट्रोल आपका रिमोट से भी हो सकता है, रिमोट इंक्लूडेड नहीं है, वो लेना पड़ेगा, और ऐप से भी हो सकता है।
ऐप इसकी ऐप सपोर्ट है इसके अंदर, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फुल पावर पे कितनी ब्राइट है ये फुल पावर पे एंड डिफ्यूज्ड है। रिफ्लेक्टर भी इसके साथ आएगा, शैडो रिफ्लेक्टर, लेकिन उससे भी हार्ड लाइट रहेगी। तो अगर आपको डिफ्यूज़ करना है तो उसके लिए आपको बोवंस माउंट की एक्सेसरीज लगानी पड़ेंगी। सिंपल अम्ब्रेला से लेके आप कोई भी मॉडिफायर ऑक्टा वगैरह अपनी नीड के हिसाब से लगा सकते हैं। और इसकी जो माउंटिंग है टॉप से भी हो सकती है, नीचे स्टैंड पे भी हो सकती है। लोकेशन पे ले जाने के लिए आप बस आपको स्टैंड और लाइट को कहीं पे भी रख सकते हैं, सी स्टैंड पे भी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हैवी सेटअप है क्योंकि बैटरी बड़ी है, तो इस रीज़न से ही इसकी जो कॉस्टिंग है बैटरी की वजह से थोड़ी उठ जाएगी। पहले मैं आपको लाइट का इंडिविजुअल प्राइस बताता हूँ, फिर बैटरी का भी। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि 11,000 की बैटरी है, लेकिन ये 3-4 घंटे का बैकअप दे देती है। तो अब इसकी लाइट की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। जो लाइट है ये इस टाइम चल रही है UL 150, इसका जो प्राइस है आपका 26,500 के आसपास चल रहा है विद 2 ईयर्स वारंटी। और बैटरी अगर आप लेना चाहें तो 11,000 की है, पावर अडॉप्टर साथ में आता ही है। और अगर आपको लग रहा है कि बैटरी महंगी है तो इसका एक ऑल्टरनेटिव भी आता है कि अगर आपको इसका एक कन्वर्टर आता है वी माउंट टू F970, ये प्लेट आती है इसमें, फिर आप ये प्लेट ख़रीद सकते हैं। उसके बाद फिर 2 F970 बैटरीज लग जाएंगी, तो फिर ये आपको थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाता है। इसका बैकअप कम आएगा लेकिन चल जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली जो ये प्लेट है अराउंड आपकी 2,500-3,000 की रेंज में आती है प्लेट। और ये बैटरी तो आपको पता ही है बड़े साइज़ वाली 1200-1200 की आती है, तो आपका 5,000 के अंदर एक बेसिकली सस्ता सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि इस बैटरी का आपको इसका चार्जर भी लेना पड़ेगा वी माउंट का, इनके चार्जर सबके पास होते ही हैं 970 के। तो बेटर है कि अगर आपको वी माउंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये भी ले सकते हो प्लेट, और ये उससे फिर आपका ये सस्ता सोल्यूशन बन जाएगा आउटडोर के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये था आज का वीडियो UL 150 के बारे में गोडॉक्स। अगर आप लेना चाहते हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गैलेक्सी फोटो स्टोर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय।